नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नगर निगम स्थित अपने कार्यालय में पार्षदों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पार्षदों के साथ महानगर के विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक की गई है, जिसमें शहर में गर्मी के मौसम में कुछ जगहों पर पीने के पानी की समस्या आ रही है, जिसको देखते हुए जलकल के सहायक अभियंता को बुलाकर निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में दूषित पानी की सप्लाई ना दिया जाए और यह सुनिश्चित करे कि लगातार पेयजल की आपूर्ति बनी रहे और कहीं पर भी पाइपलाइन लीकेज ना हो, जिससे कि पाइप में गंदा पानी ना मिले, क्योंकि गंदा पानी मिलने से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और लोगों की तबीयत खराब होगी। उन्होंने कहा, नगर निगम में हमेशा कोई ना कोई फरियादी आता रहता है, जिसको देखते हुए नगर निगम में एक अधिकारी को नियुक्त किया जा रहा है, जो कि नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की सिटी बसों में 60 वर्ष के बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों को निःशुल्क यात्रा करवाया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम तैयारी कर रहा है। इस अवसर पर उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद संजय श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जिसकी वजह से गंदा पानी पीने की वजह से लोगों का कमी है, लेकिन हम जो हमेशा सर लगता भी है कई जगह गर्मी में प्याऊ हुआ कि भी नहीं बाकी ठंडे पानी की कमी है या जो भी चीज़ें इस प्रकार से आम जनमानस को जहाँ कुछ फॉल जाता है गिर जाता है उसको कराया बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी जन समस्या रहता है 10 से 500 खास कर एक हमारा जो कि इस समस्या में छोटा पूरे हम समाधान करा सके जितना समय लगे उनको बता दिया गया और कि भाई ये मंत्री जी का भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जन समस्याओं का प्रभावी निस्तारण और निस्तारण की जो गुणवत्ता है वो भी बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी कर दी और अपने हमारा उद्देश्य रहते हैं काम का तत्काल होता रहेगा। वैसे भी जरूरी चीज़ है कि भाई पब्लिक की जो डिमांड्स है चूँकि कम कार्यकाल को लोगों ने देखा है कि विकास के किस प्रकार से गंदा हो रहे हैं प्रदेश में और खासतौर से गोरखपुर में गई है, अपेक्षाएँ बहुत बड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की उन अपेक्षाओं को जो प्रयोग ने कर रखा है और हम लोग को उनको पूरा करना है। निश्चित रूप से जो एक 100 डेज का हमारा संकल्प है उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मैं अभी अलग से बताने वाला हूँ। एक अन्नपूर्णा रसोई भी नगर निगम प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें कि पूरे शहर के जितने भी गरीब लोग हैं उनको हम 5 रुपये थाली के हिसाब से भोजन देंगे। ये संकल्प का पहला ये है, इसी के साथ हमारी जो माताएँ बहनें हैं उनके लिए पिंक टॉयलेट, तो हम लोग कल भी बैठे हुए थे तो एक नगर निगम में जो हमारी पार्किंग के अंदर तरफ जाकर वहाँ पर भी हम डीलर कुछ टाइप का पिंक टॉयलेट बनाने जा रहे हैं। पर्याप्त हमारे पास गेट वाला शौचालय के मतलब पैसा भी है, अन्य और जगहों पर जहाँ पर कि हमारी मातृशक्ति का आना जाना ज़्यादा होता है एक वो हमारे पास ये हो गया। हमारे बेसिकली व्यापारिक क्षेत्र में ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ होती है, मान लीजिए जैसे रहती है घंटाघर ये सब भी जगह चलता है, काफ़ी आवश्यकता पड़ जाती है। अच्छा हो
आज पार्षद जी लोग आए थे, इसमें बहुत सी बातें थी, जैसे कि सबसे पहले कि जो गर्मी का मौसम आ रहा है और पीने की पानी की समस्या कुछ जगह दिक्कत आ रही है, तो उसके संबंध में वार्ता हुई। हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो जलकल के हमारे सहायक अभियंता थे उनको हम लोगों ने बुलवाया था, बुलवाने के बाद हम लोगों ने उनसे वार्ता किया है और ये कहा है कि इस बात को सुनिश्चित कराया जाए कि कहीं भी किसी भी स्थिति में दूषित पानी की सप्लाई ना दिया जाए, दूषित पानी की सप्लाई ना दें, साथ साथ जो है इस बात को सुनिश्चित करें कि लगातार पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होती रहे और इस बात को भी ध्यान में रख के कहीं किसी पाइपलाइन में लीकेज ना हो, जिसकी वजह से गंदा पानी जो है जाकर वो जो है ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य पर फिर बुरा असर पड़ेगा। इन तमाम बातों को लेकर इनसे बात हुई। इसके साथ साथ नगर निगम में आने वाले जो बहुत से फरियादी आते हैं जो अपनी बातों के समाधान के लिए आते हैं, उनके लिए भी नगर निगम ने डिसाइड किया है कि डेली कोई ना कोई सीनियर अधिकारी उनकी बातों को सुनने के लिए हर समय मौजूद रहे, खासतौर से जो कार्यालय की अवधि है, जिससे कि उनकी अपनी समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण हो सके और निस्तारण की जो गुणवत्ता है वो भी उच्च कोटि की है। ये बनाया है कि जो हमारी सिटी बसें चल रही हैं उन सिटी बसों में जो हमारे महिलाएँ हैं या पुरुष हैं जो कि 60 वर्ष से ऊपर के हैं, वयोवृद्ध हैं, उनको हम लोगों ने एक निर्णय लेने जा रहे हैं कि हम सभी लोग जो है जो इन लोगों को इलेक्ट्रिक बसों में फ्री में सेवा जो है उपलब्ध कराएंगे।